ऑब्जेक्ट बनाना हमने सीख लिया। मान लीजिए इस क्लास में हमने मेन मेथड डिफाइन किया, उस मेन मेथड के अंदर हमने इस तरह से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। आगे से ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इस तरह के डायग्राम बनाऊंगा। अब इसका मतलब यह नहीं होगा कि हम माइक्रोसॉफ्ट का जीआरई यूज कर रहे हैं। ये डायग्राम बनाना सिंपल है, इसलिए हम इस तरह का डायग्राम बना रहे हैं। बात समझ आ रही है? ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट का अपना कोई नाम है क्या? हमारे पास कोई रेफरेंस वेरिएबल है जिसके थ्रू से रेफर करता है? अब मैं यहां पर कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं, नोट नहीं करना है। मैंने लिखा आर डॉट एल इक्वल 5, आर डॉट बी इक्वल 7। टोटालिटी में देख के बताइए क्या ये स्टेटमेंट वैलिड है? अगर आपने ध्यान दिया, मैंने एक वर्ड बोला टोटालिटी में देख के बताइए, कुछ बताना जा रहा था मैं आपको, आपने ध्यान नहीं दिया। टोटालिटी का मतलब क्या है? आपके पास दो क्लासेस हैं, दोनों क्लास को ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ समझ आएगा। यहां पर ये डेटा मेंबर का स्कोप क्या है? अगर डेटा मेंबर प्राइवेट है, इसका मतलब क्या है? आप इन्हें क्लास के बाहर रेफर नहीं कर सकते हैं। यह है डेटा एनकैप्सुलेशन पार्ट वन। डेटा एनकैप्सुलेशन ये कहता है किसी भी क्लास के डेटा मेंबर केवल क्लास के अंदर रेफर किए जा सकते हैं, क्लास के बाहर रेफर नहीं किए जा सकते। मैंने कहा ये था डेटा एनकैप्सुलेशन पार्ट वन, इसका मतलब डेटा एनकैप्सुलेशन पार्ट टू भी होगा कुछ। अगर डेटा मेंबर केवल क्लास के अंदर से रेफर किए जा सकते हैं, बाहर से रेफर नहीं किए जा सकते, तो हमें बाहर से रेफर करने का कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। डेटा एनकैप्सुलेशन पार्ट टू ये कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि बाहर से आपके डेटा मेंबर को रेफर किया जाए, तो आप अपनी क्लास में पब्लिक मेथड्स डिफाइन करें। वो मेथड आप अपनी क्लास में डिफाइन कर रहे होंगे, यानी कि वो इस क्लास के मेंबर होंगे, पब्लिक होंगे, इसका मतलब ये मेथड बाहर से कॉल किए जा सकते हैं। डेटा मेंबर नहीं रेफर हो रहा है, मेथड बाहर से रेफर किया जा रहा है, और वो मेथड इस क्लास का मेंबर है, इसका मतलब वो चीजों को रेफर कर सकता है। मैंने आपको जब स्टार्टिंग में डेटा एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट समझाया था, तो मैंने आपसे कहा था कि आपको अपने घर में कहीं भी घूम सकते हैं आप, लेकिन अगर अपने पड़ोसी के घर में जाना है, वहां से कुछ लाना है, तो आप जाएंगे बैल बजाएंगे, वहां से कोई अंदर है मेंबर आया हुआ, आप उससे कहेंगे मुझे ये चीज चाहिए, वो आपको लाके देगा। उस घर का मेंबर आपको लाके देगा, आपके घर का मेंबर दूसरे को कोई चीज ले जाके देगा। समझ आ रही है बात? अब जो हमने खाली जगह छोड़ी थी, अब उसका यूज करते हैं। मुझे वहां से जहां मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, इस डेटा मेंबर्स की वैल्यू चेंज करनी है, तो मेरे पास पब्लिक मेथड होना चाहिए कोई। लेट्स से हमने एक मेथड बनाया सेट डायमेंशन। कितनी डायमेंशन होंगी रेक्टेंगल में? कितने पैरामीटर होने चाहिए मेथड में? किस टाइप के होने चाहिए? क्योंकि इंटीजर डेटा मेंबर है। लेट्स से अब धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। यहां पर मैंने लिखा एल इक्वल एक्स, बी इक्वल वाई। अब मैथड इन्वोक करने का तरीका होता है, रेफरेंस वेरिएबल लिखेंगे, मैथड का नाम लिखेंगे, लेट्स से सेट डायमेंशन। अगर मैथड कोई पैरामीटर रिसीव करता है, तो जितने पैरामीटर रिसीव करता है, जिस टाइप के रिसीव करता है, उतनी टाइप की, उस टाइप की उतनी वैल्यूज पास करेंगे। वो कितनी वैल्यूज रिसीव करता है, कैसी? तो यहां से दो वैल्यू पास करेंगे, लेट से 5 एंड 7। ऐसी चीज को हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे मेथड कॉल। और ऐसी चीज को क्या कहेंगे? दीज आर मेथड डेफिनेशंस। जब भी आप कहीं से किसी मेथड को कॉल करेंगे, तो कंट्रोल कहां जाएगा? मेथड डेफिनेशन पे, जहां मेथड डिफाइन किया गया है। यहां से कंट्रोल आएगा यहां पर, वैल्यू आई 5 एंड 7। अब वो वैल्यू हमने एल और बी में असाइन करी। अभी हमने कितने ऑब्जेक्ट बनाए हैं? मान के चलते हैं एक और ऑब्जेक्ट है, लेट से टी। एक क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, यस या नो? अज्यूम करते हैं ये सिचुएशन है, ध्यान से सुनिएगा। पहले हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, यानी कि एल और बी की एक कॉपी थी। अब मैंने एक और बड़ा ऑब्जेक्ट बना लिया, एल और बी की कितनी कॉपी हो गई? जितने ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उतने एल और बी हो जाएंगे। यहां पर मैंने ये नहीं बताया कि ये एल किस ऑब्जेक्ट का है, क्या जीआरई को कोई कंफ्यूजन होगा?
होगा, कुछ लोगों को लग रहा है नहीं होगा। अब जिन्हें कंफ्यूजन लग रहा है उनके लिए और जिन्हें नहीं लग रहा है उनके लिए भी मैं आपको एक स्टेटमेंट, एक सिचुएशन बताता हूं। मान के चलते हैं आपको बैंक से पैसा निकालना है, 10-20 हजार रुपए अगर निकालने हो तो एटीएम से जाके आप निकाल लेंगे। मान के चलते थोड़ा ज्यादा पैसा निकालना है, 5 लाख रुपए निकालना है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं मेरे अकाउंट में तो है ही नहीं इतने पैसे। हमने कहा मान के चलते हैं 5 लाख रुपए निकालने, ये भी मान लेते हैं कि आपके अकाउंट में है। क्या करना पड़ेगा आपको? बैंक में जाना पड़ेगा अपनी पासबुक लेके, चेकबुक लेके। आप बैंक में गए, आपने अपना एक चेक फिल किया, साथ में फॉर्म फिल किया, वो फॉर्म चेक के साथ आप कैशियर को दे रहे हैं, लाइन में लगे काफी देर। उसके बाद आपका जब नंबर आया तो आप कैशियर को देते समय एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं। मैं दो तरह से ये स्टेटमेंट बोल के बताऊंगा, आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, या ये कह सकते हैं कौन सा ज्यादा सही है। आपने देते समय चीजों को कहा मेरे अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाल दीजिए, ये था पहला स्टेटमेंट। इसी स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से बोला जा सकता है, आपने कहा 5 लाख रुपए निकाल दीजिए, कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा सही है? पहला था मेरे अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाल दीजिए, दूसरा था 5 लाख निकाल दीजिए। देखो फिर कंफ्यूजन है, कुछ लोगों को लग रहा है पहला, कुछ लोगों को लग रहा है दूसरा। पहले वाले कितने लोग हैं और दूसरे वाले दोनों वाले भी हैं कुछ लोग। अब आपको एक नया वर्ड मैं बताता हूं, रिडंडेंट। क्या मतलब होता है इसका? रिपीटेशन, डुप्लीकेशन, ऑफ नो यूज, ऐसी चीज जिसे हटा भी दो तो भी कोई फर्क ना पड़े। बोथ द स्टेटमेंट्स आर रिडंडेंट, दोनों में से किसी भी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, दोनों रिडंडेंट हैं। क्यों रिडंडेंट है वो समझते हैं, दोनों में फर्क था मेरे अकाउंट से का। अगर आप नहीं बोलेंगे मेरे अकाउंट से, क्या वो अपने अकाउंट से निकाल के दे देगा आपको? हाँ, या आपके पीछे जो लाइन में खड़ा हुआ उसके अकाउंट से निकाल के दे देगा? इसने ये तो कहा नहीं मेरे अकाउंट से निकालना, चलो उसके से निकाल देता हूं। कोई आदमी किसके अकाउंट से पैसा निकाल सकता है? अपने अकाउंट से। अंडरस्टूड है? कहेंगे तो भी आपके अकाउंट से निकलेगा, नहीं कहेंगे तो भी आपके अकाउंट से निकलेगा। तो जो डिफरेंस था वो तो नलीफाई हो गया। अब अगर आपने फोन पे लिख के रखा हुआ है 100 रुपए और आप कहें 5 लाख रुपए निकाल दो, निकाल देगा? कितने निकालेगा? 100 रुपए। अगर आपने फॉर्म पे लिख के रखा हुआ 5 लाख रुपए, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे और सीधे फॉर्म दे देंगे तो भी कितने निकालेगा? समझ आ रहा है कुछ? मींस कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, जो फॉर्म सबमिट कर रहा है उसके अकाउंट से निकलेगा, जितना फॉर्म पे लिखा हुआ है उतना निकलेगा। आप चाहे लाइन में 1000 लोग लगे हो, मेरे पास यहां पर कितने भी ऑब्जेक्ट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार भी मैथड एक ही ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा होगा। यहां पर अगर आप देखें मैथड किसके साथ कॉल हुआ है? आर के साथ, आर डॉट सेट डायमेंशन। आप ये मान सकते हैं दोनों कस्टमर है, लाइन में लगे हुए हैं, दोनों को पैसा निकालना है। पहली बार फॉर्म इसने सबमिट किया, ये कैशियर है, इसके अकाउंट से पैसा निकाल के देगा आर के। और अगर मैं लिखूं टी डॉट सेट डायमेंशन तो अंडरस्टूड है, डेटा नंबर किसके होंगे? इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट के, आर के नहीं, आर से हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। मैं ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी बदल सकता हूं, इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट के, जिस ऑब्जेक्ट के साथ मेथड इन्वोक किया गया है उसके डेटा मेंबर को मेथड में हम डायरेक्टली रेफर करेंगे। तो यहां पर पहली बार हमने जब लिखा आर डॉट सेट डायमेंशन तो उसकी वजह से यहां पर आ गया 5-7। मैथड कंप्लीट होगा, कंट्रोल कहां जाएगा? जहां से कॉल हुआ था। अब हमने यहां पर लिखा ये लाइन एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल आर इज, यहां से क्या होगा? आर ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्प्ले मेथड इन्वोक होगा, ये डिस्प्ले मेथड है। इस डिस्प्ले मेथड में हमने लिखा हुआ लेंथ इक्वल एल, अब ये एल किसका होगा? क्यों? क्योंकि मेथड आर ने इन्वोक किया है। यहां से प्रिंट होगा लेंथ इक्वल 5, यहां से प्रिंट होगा ब्रेथ इक्वल, मैथड कंप्लीट होगा, कहां जाएंगे? मेन मैथड में। अब मान के चलते हैं इसके आगे हमने लिखा हुआ है, जब हम इस तरह का स्टेटमेंट लिखते हैं तो पहले ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा,
या पहले ये कॉन्टैक्ट होगा, एक मैथड कॉल है, पहले इवेल्युएट होगा, यानी कि यहां से एरिया मैथड कॉल होगा। एरिया मैथड में एल और बी की मल्टीप्लीकेशन होगी, किसके एल और बी की, क्यों, क्योंकि मैथड आर ने इन्वोक किया है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 735 आएगा, इसके साथ जुड़ेगा, प्रिंट होगा, होगा। क्या समझ में आया, इस प्रोग्राम के थ्रू आपको ये बात हुई है कोई क्लास कैसे डिफाइन करेंगे, उसमें एट्रीब्यूट्स कैसे रखेंगे, मैथड कैसे रखेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, मैथड को कैसे इन्वोक कर सकते हैं। इनडायरेक्टली आपको बताया गया स्टैटिक एलोकेशन डायनेमिक एलोकेशन में क्या फर्क होता है, आपको बताया गया रेफरेंस वेरिएबल क्या चीज है, रेफरेंस और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है, आपको बताया गया एड्रेस और रेफरेंस में क्या फर्क है। बात समझ आती है,